नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनील सत्यार्थ। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहजन के सूप के बारे में। सहजन के सूप के अत्यंत ही अत्यधिक औषधीय गुण होते हैं, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि सहजन के सूप को कैसे बनाते हैं, फिर हम जानेंगे कि इसके सूप का औषधि प्रयोग किन किन बीमारियों में किया जाता है। सहजन का सूप पीना काफी लाभदायक होता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी के अलावा यह बीटा कैरोटीन, प्रोटीन और कई प्रकार के लौड़ों से भरपूर होता है। यह सभी तत्व शरीर में पूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। आइए जानते हैं कि सहजन का सूप बनाते कैसे हैं। सहजन के फली को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। 2 कप पानी को धीमी आंच पर उबलने के लिए रख देते हैं। जब पानी उबलने लगे तो इसमें कटे हुए सहजन के फली के टुकड़े डाल देते हैं और इसमें सहजन की अगर आप चाहें तो थोड़ी सी पत्तियां भी डाल सकते हैं। जब पानी आधा बचे तो सहजन की फलियों के बीच का गुदा निकालकर ऊपरी हिस्सा को अलग कर लेते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च मिलाकर पीना चाहिए। इसके औषधि लाभ क्या है? सहजन के सूप का नियमित सेवन करने से सेक्सुअल हेल्थ बेहतर होती है। यह महिला और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से फायदेमंद है। सहजन में एंटीबैक्टीरियल गुण पाया जाता है, जो कई प्रकार के संक्रमण से हमें सुरक्षित रखता है तथा शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने का काम भी करता है। यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है तथा कब्ज नहीं होने देता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर पाई जाती है। अस्थमा, सर्दी, खांसी, बलगम से छुटकारा पाने के लिए इसका इस्तेमाल घरेलू औषधि के रूप में किया जाता है। यह खून को साफ करने में मददगार है। खून साफ होने से चेहरे पर भी निखार आता है। डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए भी इसका सेवन किया जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो रहा सूप पे सहजन का सूप। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।